महाराज का पैगाम लेकर आया हूँ कि आपने जिस कातला को आसरा दिया है मैं उसे गिरफ्तार करके महलों में ले जाऊँ। और अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दूं तो महाराज के हुक्म के मुताबिक मुझे लश्कर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा नाना। अपने राजा का हुक्म टाल दोगे? हाँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी दिलेरी और सच्चाई का कदरदान। मैं जानता हूं कि महाराज की तरफ से आप लोगों पर बहुत से जुल्म हो चुके हैं, और अब भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि महलों में आप लोगों को तबाह करने की साजिशें ना होती हों। तो क्या यही खबर देने के लिए यहाँ आए हो? सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं नाना, बल्कि आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि आइए आप और मैं मिलकर इस जालिम महाराज का तख्ता ही पलट दें। मैं आपको महाराज की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं नाना। आइए। नहीं, इस रद्दार और नमकहराम से हाथ मिलाना हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमें न गद्दी चाहिए न ताज, हम अपना हक मांगते हैं। हमें अपना हक मिल जाए इसके बाद हमारा और महाराज का कोई झगड़ा नहीं। आप जितने बहादुर और दिलेर हैं उससे कहीं बढ़कर सादा दिल भी है नाना। वो आदमी जिसने आपकी बेटी शाही हक छीनने के लिए अपने ही बेटे को ठाकुर नामी लुटेरे से मरवा दिया, और अब अंबर को मरवाने के लिए उसी ठाकुर के बेटे राज को मुकर्रर कर दिया है। क्या कहा? अंबर को मरवाने के लिए राज को मुकर्रर किया है? आते मारो भाई। राज, 7 दिन पूरे हो गए। आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई चुप ही हूं। हंसो, हंसते क्यों नहीं? आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई ना? राज, राज मैं बेगुनाह। बेगुनाह? किसी की मोहब्बत का गला घोट दो, किसी निर्दोष को 7 दिन कैद में रखो, फिर कहो कि मैं बेगुनाह? राज, राज मेरी हालत पर रहम करो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। इन आंखों में प्यार जरूर छलकता मगर दिल में चालबाजी और मकारी का जहर भरा हुआ है। यकीन कर लो राज, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हीं से प्यार करती हूँ। यकीन करो? फिर से धोखा खाने के लिए? अब तुम्हें इस किस्से को खत्म करके ही रहूंगा। राज, राज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठी मक्कार। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम इसी तरह ठुकराई जाओगी। जिसके प्यार से खेला जाए उसे ठुकरा देने का हक भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये हक भी मिल जाता है कि वो प्यार के धोखे में रखकर कोई ओछा या कमीना वार करने की ताक में रहे। कौन है जो प्यार के धोखे में रखकर एक कमीना वार करने की ताक में? मैं या आपकी चहती अंबर? पूछिए उसी से। पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूं कि तुम मोहब्बत का ढोंग रचकर इसका खून पीने की फिक्र में हो? ढोंग तो इसने रचा है, अपने मतलब के लिए मोहब्बत का दिखावा करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं समझता था कि पहाड़ी सच्चे इज्जतदार और अपनी बात के धनी होते हैं, मगर असलियत देखकर मेरी आंखें खुल गई। आप लोग धोखेबाज निकले। धोखेबाज तुम और तुम्हारा खानदान। जबान संभालिए नाना, शराफत का दामन अपने हाथ से न जाने दीजिए। शराफत? तुमने और तुम्हारे बाप ने लोगों को कत्ल कर करके जागीरें लेने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, क्या वो शराफत है? आपकी बुजुर्गी और उम्र का लिहाज मुझे रोक रहा है नाना, वरना अपने खानदान की शराफत का यकीन दिलाने के लिए आपकी जबान तराश लेता। हर झूठा सच कहने वाली जबान को काट देना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं नाना? ये कह रहा हूं ना समझ लड़की कि सच अभी जिंदा है। ये तुम्हें प्यार नहीं करता बल्कि धोखे में रखकर दुनिया और जहां की नजरें बचाकर तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। ये झूठ है। नहीं बावरी, ये सच है। ये उस कातिल का लड़का है जिसने एक जागीर के खातिर तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया था, और आज तुम्हें भी उसी तरह मौत के घाट उतारने के लिए ये आया है ताकि तुम तख्त और ताज की हकदार न बन सको। ये झूठ है नाना। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें हुक्म दिया था कि जाओ महलों में जाकर साये की तरह अंबर का पीछा करो? मेरे पिताजी ने यह कह कहकर भेजा था कि उससे पहले कोई महाराज की जिंदगी से खेल जाए
तुम उसकी गर्दन मार देना। अब यकीन आया अंबर? मुजरिम खुद मान रहा है कि वो क्यों तुम्हारे रास्ते में आया था, क्यों तुमसे मोहब्बत की थी, महज इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मार डाले, दुनिया को तुम्हारी मौत की हवा तक न लगे, और फिर महाराज इसे एक और जागीर दे दे। नहीं नाना, अगर ऐसा होता तो आपकी अंबर आज जिंदा ना होती। अगर ये एक इशारा कर देता तो मैं सूली पर लटक जाती। कह दो राज, कह दो कि ये सब झूठ है, तुम्हारे पिताजी ने मेरे बाप का खून नहीं किया। कह दो राज। अगर ये साबित हो जाए कि मेरे पिताजी वाकई मुजरिम हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने हाथों बांध कर उन्हें आपके कदमों में देखूंगा। भाग निकलने की राह खूब निकाली, मगर अब तुम्हें यहां से जिंदा जाने ही कौन देगा? इन्हीं पहाड़ों में तुम्हारी लाश पर गिद्ध मंडराएंगे। नाना, मैं आपके पैर पर। यार तुम्हें अंधा बना सकता है, मुझे नहीं। पकड़ लो इस कमीने को, पकड़ लो। ये इलाका भी कितना अजीब, पहाड़ है कि इतने ऊंचे के आसमान के सितारों से आंखें मिलाते, और इन्हीं पहाड़ों में रहने वाले इंसान इतने गिरे हुए के मेहमान बनाकर मेहमान नवाजी नेजी और फालों से करते। झूठा इल्जाम लगाकर इतना मौका तो दिया होता कि अपनी सफाई तुम्हारे सामने पेश कर सकता। नाना, मैं इन पहाड़ों की बेटी, लेकिन इस वक्त मैं भी वही सोचूंगी जो राज सोच रहा है। एक आदमी तड़प रहा कि उसे सफाई का मौका दिया जाए, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता। ये नाइंसाफी इन पहाड़ों के माथे पर कलंक का टीका लगा देगी। अच्छा जाओ राज, मगर याद रखो, अगर वापस नहीं आए, इस बूढ़े सीने में अब भी एक ऐसा शोला लपक रहा है, जहां भी जाओगे तुम्हें जलाकर राख कर देगा। अब ये कभी वापस नहीं आएगा अंबर। मेरा दिल गवाही दे रहा है, राज जरूर आएगा। ले आया नाना को? नहीं महाराज, मैंने नाना की लाख मिन्नतें की कि वो महल में आकर आपसे मिल ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि महाराज का तहरीरी पैगाम मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर तहरीरी पैगाम भेज दो। मैंने कागजात तैयार कर लिए, सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत है। लाइए तो मैं बड़ी खुशी से दस्तखत कर देता हूं। जी, इसका मतलब? इस शाही फरमान के मुताबिक जिस पर कि आपने अभी दस्तखत कर दिए हैं, आप हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी मेरे हवाले करके खुद तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। दीवान जी, कानून की आड़ लेकर आप हमें देर तक जंजीरों में जकड़ न सकेंगे। वो हाकिम का हाकिम आपकी इस दगाबाजी और नमक हरामे को कभी माफ न करेगा। ले जाओ। एक कांटा तो निकल गया, दूसरा जहरीला कांटा अभी बाकी है।